नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज यानी 11 फरवरी को पुण्यतिथि है। इस दिन को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित समर्पण दिवस कार्यक्रम में नेता विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा और भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार अंत्योदय को समर्पित है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन अंत्योदय को भाजपा सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। भाजपा की सरकार गाँव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित को समर्पित है। आज हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा जिसको कहते हैं लेने का होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि हम सब समर्पण दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं और समर्पण से ही सारी कुछ समझ में आ जाता है कि तो जैसे महामंत्री जी ने कहा कि अपनी श्रद्धा से हम पार्टी के लिए सर्वोच्च जितना कुछ भी हम समर्पित कर सके हमें समर्पण करना चाहिए। देखिए, उससे बड़ी समर्पण तो हमें समाज के लिए, देश के लिए, हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए, वो सबसे बड़ा समर्पण होता है। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए उन्होंने समर्पित किया और समाज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने जी करके हमें दिखाया और एक दर्शन भी उन्होंने दिया जिसे हम एकात्म मानव दर्शन के रूप में हम यानी पूरी दुनिया की एक मानव जाति के लिए हम किस प्रकार से, क्योंकि देश में एक बड़ी दुनिया में एक बड़ा संघर्ष चलता है जो दर्शन को लेकर के पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम जो क्योंकि भारत की जो दर्शन है उसको कह सकते हैं कि वो व्यक्ति के विकास और व्यक्ति के विकास भी जहां दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की जो कल्पना की यानी विकास के अंतिम पायदान पर जो लोग बढ़े हैं उनकी विकास हो, उनके विकास आगे वो बढ़े और वो विकास के दौड़ में वो कदम से कदम मिलाकर के वो आगे बढ़ सके। और इसलिए आप सबने देखा कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, फिर 2014 से आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अगर आजाद भारत में कहें तो पहली दफा, पहले तो जितने भी कोई प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे, लेकिन पहली दफा जब अटल बिहारी वाजपेयी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो वास्तव में पंडित दीनदयाल जी ने जो विचार हम सब लोगों के समझ छोड़ के गए थे कि अंत्योदय के समाज के अंतिम व्यक्ति, विकास के जो अंतिम पैदान पर खड़े उनका विकास हो, और उसके लिए आप देखें लगातार किस प्रकार से गरीबों को घर नहीं तो उनको घर मिले, गांव गरीबों तक भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, वो भी सम्मान के साथ गरीब भी जी सके, उनके मां बहन भी सम्मान के साथ रह सके, तो उनके घरों में शौचालय का निर्माण, फिर गरीब कोई भूखे नहीं रहे उसके लिए भी अंत्योदय अन्न योजना से लेकर के कोरोना काल में अगले जो मार्च तक अतिरिक्त जो पहले से मिल रहा है वो तो नहीं, उसके अतिरिक्त भी पूरे एक वर्ष होता अतिरिक्त 5 किलो अनाज ताकि कोई इस महामारी के काल में भी कोई से को भूखे नहीं रहना पड़े,
और फिर विकास के भी जो किरणें हैं गांव तक पहुंचे, यानी गांव तक सड़कें, घरों तक बिजली, यानी विकास की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, आम लोगों के यहां तक कैसे सुविधाएं पहुंच सके, ये आज जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो उसको ध्यान में रख करके और उसके लिए काम कर रहे हैं। अब मैं देखा कि गरीबों के घर में हमारी माँ बहने जो खाना पकाती है, कितनी तकलीफ होती थी उनको भी, उनके यहां पर गैस चूल्हा, गैस से खाना पका सके। तो ये जितनी भी चीजें आप देखेंगे, किसान भी जो छोटे किसान है, जो देश में बहुत बड़ी आबादी है छोटे किसानों, बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया उनके खाते में, 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट उनको भी सीधे उनके खाते में भेजना, यानी ये कमिटमेंट को दर्शाता है कि जो अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन जो दिया, जो अंत्योदय की जो उन्होंने विचार को हम सब की समझ रखा, आज केंद्र की सरकार और जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्यों में भी सरकार चल रही है, तो सरकार भी, वो सरकार भी उन कामों को, उन सपनों को पूरा करने में दिन रात लगी हुई है। और मैं समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है। हम संपूर्ण जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन निश्चित रूप से उनके विचारों को हम जितनी हम अपने आप में हम समाहित कर सके, हमें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए और उन विचारों को हमें समाहित करना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी इनसे प्रेरणा ले सके। और इसलिए सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि मनाना, उस अर्पित करना ही नहीं, थोड़ी समर्थन की, समर्पण की राशि अर्पित करना ही नहीं, बल्कि अपने आप को भी अर्पित करना। हम जितना कुछ कर सकते समाज के लिए, इस काम को हम सभी जरूर करना चाहिए। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।